नमस्कार, इंडोटैप न्यूज में आपका स्वागत है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोगों को सेवा करते नजर आए परमेश्वर प्रधान। बलिया कड़ाके की ठंड को देखते हुए लगातार कई दिनों से अपनी ग्राम सभा में जैसे गाजियापुर, मझौली, सोनपुर, कला व अन्य जगहों पर जाकर जिला पंचायत सदस्य किरण मौर्य के प्रतिनिधि सपा नेता परमेश्वर प्रधान ने अपनी गाड़ी से गांव-गांव जाकर अलावल गिराकर और ठंड को मात देने के लिए लोगों के बीच अलावल जलाकर गर्मी का माहौल बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने गरीबों की हर संभव मदद करने के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं। ठंड को देखते हुए उन्होंने कई बुजुर्गों को कंबल का वितरण भी किया और उन्होंने यह भी बताया कि यदि हमारी कहीं पर भी ज़रूरत है तो हमें एक बार अवश्य याद कीजिए, हम आपकी सेवा में हमेशा खड़े रहेंगे। सेवा तो आपकी जून पर है, तो हर साल की बात, इस साल भी मैं 12 वर्षों से लगातार, या चुनाव रहे या ना रहे, मैं जनता की व्यवस्था हूँ। और जहाँ लकड़ी की बात है, आप देख रहे हैं कि ये नया साल पर सारे दलों के लोगों नेता लोग जो हेड लगाए हैं और गरीब जो आज तबाब जो है ठंड तप रहा है, कोई नहीं जा रहा है, खाली लोगों के बारे में सभा हो रहा है, इसे काम नहीं चलने वाला है, जनता प्रदर्शन नहीं करेगी। जी जी, ये कितने काम हो जाएगी? देखिए, हमारा तो एक दिन से काम, हमारा भी हर साल जो है 1 जनवरी से दुनिया जो है नया साल मनाती है, कोई फूल देता है तो कोई पूरी मिठाई खिलाता है तो होटल में रहता है। मैं अपना नया साल जो है गरीबों के बीच में रख मनाता हूँ, कोई लकड़ी पर जलाता मनाता हूँ। और जहाँ बात कर रही है कि मैं 1 जनवरी को टकरावली, बझावली, शंकरपुर, अमितपाली, त्रिपाठी, जमुआ पे अपना जो है लोगों के बीच लकड़ी जलाए और दया कर जो गर्मी पता की है। अभी हम जा रहे हैं, ये लगातार कितने दिन चलेगा? देखिए, जब तक धूप नहीं पूरा होगा तब तक हमारा लकड़ी जलता रहेगा और जलता है। जी जी, इस मौके पर जनता के लिए क्या कहेंगे? अब जनता हमारे लिए भगवान है। हाँ। इसलिए कि मैं पिछले साल में हार गए थे, मैंने काशी रोड से दूसरा, मैं जनता का सेवा लगातार मर रहे हैं। हाँ। मैंने 16,000 से मैंने विजयी हुआ और हमारे प्रत्याशी, हमारे जो 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 प्रत्याशी थे विपक्ष में, वे कई छोड़ पाए। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं, सपा से बिलोंग करते हैं जी, और 2022 के चुनाव आने वाले हैं, इसका आपको कुछ कहना है? देखिए, हम छोटे आदमी हैं, हाँ, वो बड़े स्तर की बात है। वहाँ कहना हमारे अच्छी बात नहीं है, बल्कि जरूर हम कहूँगा अखिलेश यादव जो कहते हैं करते हैं, जो सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है, ये लोग कहते करते नहीं है। अखिलेश यादव जी का विकास कर जमीन पर दिखाई दे रहा है, उन लोगों का विकास कर अखबार में दिखाई दे रहा है। सरकार वो जनता तुलना कर रही है और तो जनता तो मूड बना चुकी है कि 2022 में क्या करना है, बताएंगे नहीं? अब देख रहे हैं जो मीटिंग हो रही है वहाँ पर, मीटिंग